नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एटा में जिला पंचायत से लेकर कलेक्ट्रेट तक नारी सशक्तिकरण के संबंध में महिलाओं ने निकाली जन जागरण रैली। प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। आपको जानकारी के लिए बता दें, नारी सशक्तिकरण के संबंध में निकाली गई रैली में जनपद की महिलाओं के साथ जिला प्रशासन जन जागरण रैली में शामिल हुए। जिला पंचायत से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए इस अभियान के तहत लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के प्रति जागरूक किया गया। रैली में मौजूद SDM प्रशासन विवेक मिश्रा, CDO मदन वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, CO सिटी राजकुमार सिंह सहित एटा के आला अधिकारी मौजूद रहे। एटा से आमिर हयात की रिपोर्ट। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम संध्या चौहान। आज आपने जो रैली निकाली है, किस उद्देश्य से निकाली है? अच्छा, तो ये कहाँ से कहाँ निकाली गई? ये सर जिला परिषद से कलेक्ट्रेट चौराहा। किस उद्देश्य से, मतलब क्या कारण है? महिला को, नारी को और सशक्त बनाने के लिए, जिससे वो अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके और अपना समाज में कुछ अपना। आज आपको कैसा लगा इस रैली में? बहुत अच्छा लगा। हमारा विभाग बहुत अच्छा लगा। महिला सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हमारे विभाग में निदेशालय में डायरेक्टर से लेकर और आंगनबाड़ी स्तर तक सब महिलाएं पर आज इसमें महिलाओं की संख्या काफी कम नजर आ रही है। प्रशासन के लोग ज्यादा हैं। कोरोना के कारण। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के बारे में जो आज आप इसमें रैली में शामिल हुई हैं? उस रैली में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि महिलाएं शिक्षित हो, क्योंकि अगर वो महिला शिक्षित होगी तो हमारा पूरा परिवार शिक्षित होगा, और परिवार शिक्षित होगा तो हमारा गाँव शिक्षित होगा, हमारा समाज विकसित होगा और एक सुदृढ़ राष्ट्र की कल्पना होगी।